देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, डाइपोल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जितना भी डिस्कशन करा है हमने, जो टॉर्क निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, वो सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाली गई है। कभी कभार क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं, ऐसा कम होगा, पर जब होगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखना है हमको। तो क्वेश्चन है, तुम्हें ही सॉल्व करना है सीधा क्वेश्चन। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इस पॉइंट चार्ज से कुछ आर डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा है मैंने पी वेक्टर, इससे आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इसका जो डी होगा उससे आर ये बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस डी है, एंड आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन डी। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या लिखा था, डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो। क्या अभी भी ज़ीरो होगा या नहीं होगा, निकालो। फाइंड द नेट फोर्स ऑन डाइपोल, हो गया क्या आया, अब सही है, ठीक है फिर करें। मान लेते हैं इस पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, Q इंटू ई वन, और इस पे जो फोर्स आएगा वो Q इंटू ई टू। ई वन और ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैपिटल Q चार्ज के कारण, तो नेट फोर्स अगर मैं बोलूं, अच्छा ये बात तो पक्की है कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ई वन ई टू से तो ज़्यादा ही होगा। ई वन कितना होगा तुम्हारा, K Q R माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, और ई टू कितना है, के क्यू आर प्लस डी वाई टू का स्क्वायर। क्लियरली ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, तो नेट फोर्स तुम्हारा किस डायरेक्शन में आएगा, तो नेट फोर्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, तो वो नेट फोर्स लिख रहा हूँ मैं क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्यू इंटू है ना, तो कर देते हैं फिर, बचा ही नहीं होगा जब, तो क्यू और के इंटू कैपिटल क्यू को कॉमन लिया, और आर भी सब निकाल दे इसमें से बाहर, तुम समझ जाओगे, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, फिर अंदर के बचा वन माइनस डी वाई टू आर पावर माइनस टू माइनस वन प्लस डी वाई टू आर पावर माइनस टू। मैंने सीधा लिख दिया इवन ई टू सब्सटीट्यूट करा, और के क्यू वाई आर स्क्वायर को इसमें से कॉमन लिया, और बाइनोमियल के लिए तैयार कर दिया इसको। ये स्टेप हम कई बार कर चुके हैं क्लासरूम में। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है तुम्हारा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो फोर्स है ना, और ये क्या बन रहा है तुम्हारा, वन प्लस टू डी बाई टू आर माइनस वन माइनस प्लस टू डी बाई टू आर, ठीक है। तो ये गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा डी बाई आर है ना, टू डी बाई आर आ जाएगा ये तुम्हारा। तो नेट फोर्स आ गया तुम्हारा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर 2 डी बाई आर। क्यू इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के क्यू पी, ऐसे एक तरह से बन गया 2 के पी बाय आर क्यूब इंटू क्यू, ये आया आंसर है ना। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। देखो इसको देख के हमारे दिमाग में एक अगला सॉल्यूशन आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को देख के दिमाग में क्या आ रहा है, ये 2 के पी वाई आर क्यूब क्या बता रहा है, इसकी इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पे, उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारी क्या बन के आ गई, ये तुम्हारी मेथड नंबर वन हो गई, और इस एक्सप्रेशन को देख के हमारे दिमाग में एक आइडिया और आ गया, ये हमारी मेथड नंबर टू आ गई। बैठ जाओ, मेथड नंबर टू क्या है भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो कोई चीज़ होती है, तुमसे बोला गया है यही तो तुम्हें एग्जाम में, अगर ये चीज़ें कर ली ना तुम समय बचा लोगे, ये सब देख लिया, तुमसे बोला था इस चार्ज के कारण डाइपोल पे फोर्स निकालो। हम न्यूटन थर्ड लॉ से जानते हैं कि चार्ज डाइपोल पे जितना फोर्स लगाएगा डाइपोल भी चार्ज पे उतना फोर्स लगाएगा, तो मैं उल्टा सॉल्व कर लेता हूं ना, बात तो वही है। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन चार्ज जो कैपिटल क्यू चार्ज रखा है ड्यू टू डाइपोल, हमको पता ही है सेम आना चाहिए, ट्राई कर लेते हैं।
तो इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस डायरेक्शन में, 2kp/r³। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा, q × E। तो वो सीधा क्या आ गया, q × 2kp/r³। तो कितना आसान हो गया ये। बर्बाद ही ये चीज़ अब एग्जाम में तुम्हें कर जाए, एग्जाम में ऐसे सोच पाओ। बोलते हैं ना कि देखो टाइम, सब बोलते हैं कि भाई टाइम कम पड़ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, पर जो लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं वो 3 घंटे का 2.5 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं पेपर। फिर टाइम कम नहीं होता, टाइम सफिशियंट होता है, सभी के लिए उतना टाइम है। अगर तुम 2 मिनट का क्वेश्चन 4 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम नुकसान ही कर रहे हो खुद का। 2 मिनट का तुम्हें 2 मिनट में ही ख़त्म करना है वो क्वेश्चन, जहाँ तुमने उसको 4 मिनट में करा तुमने 1 क्वेश्चन छोड़ दिया उसकी जगह। आया क्या समझ में? ठीक है, अपन इसकी मेथड नंबर 3 भी देखेंगे, पर फिर आज अपना टाइम हो गया, एक और नई मेथड से अपन इसको करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो